हेलो, मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ट्रेडिशनली चकली की भाजनी किस तरह बनाते हैं, तो उसे देखते हैं। मैंने 4 कटोरी चावल ली है। इस कटोरी से गिन के चावल को धो लेना है और इस स्ट्रेनर से आप पानी निकाल दीजिए। 2 कटोरी इस कटोरी से सब माप लिया हुआ है। 2 कटोरी मैंने चना दाल लिया है, 1 कटोरी मूंग दाल लिया है, 1 कटोरी उड़द दाल लिया है। आप उड़द दाल डालिए, जब भी हम चकली तलते हैं तभी ये टूटती नहीं है। और 2 चम्मच साबूदाना, 1 कटोरी पोहा लिया है और साबुत धनिया लिया है 1/2 कटोरी और 2 चम्मच जीरा। एक सूती कपड़ा बिछा दिया है, इस सूती कपड़े पे हम चावल को सुखाने के लिए रख देंगे। फैन के नीचे सुखाना है इसे, ये 3-4 घंटे में अच्छे से सूख जाएगा इस तरह। और बीच बीच में आप इसे हाथ चलाते रहिए इस तरह। हमारा चावल सूख के रेडी है, अभी हम इसे घोल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, एकदम लाल नहीं करना है चावल को। हमारे चावल अभी हो गए हैं, निकाल लेती हूँ। चना दाल आप इसे सूती कपड़े से पोंछ लीजिए, गीला करके सूती कपड़ा, या सूखा कपड़ा से भी पोंछेंगे तो भी चलता है। चना दाल भी मैंने 2 मिनट भूनी है, इसे भी निकाल लेते हैं। अभी मूंग दाल डालते हैं, मूंग दाल से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है, आप मूंग दाल ज़रूर डालिए। इसे भी मैंने सूती कपड़े से पोंछ लिया है गीला करके। मूंग दाल भी हमारी हो गई है, 2 मिनट इसे हमने भुना है। अब डालते हैं उड़द दाल, इसे भी भून लेते हैं। उड़द दाल का बहुत ही अच्छा स्मेल आता है भूनते समय। उड़द दाल भी हमारी हो गई है, 2 मिनट हमने सेका था इसे, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है उड़द दाल की। इसमें थोड़ा पोहा 1/2 कटोरी, पोहा आप 1 कटोरी 1/2 कटोरी लेते तो भी चलता है। बस इसे निकाल देते हैं। पैन हमारा बहुत गर्म हो गया है, और साबुदाना इसे भी 1-2 मिनट हम सेकेंगे। साबुदाना भी हमारा हो गया है, इसमें डालते साबुत धनिया, इसे भी भून लेते हैं। धनिया भी हमारा हो गया है, इसे भी निकाल देते हैं। अभी जीरा, जीरा को बिल्कुल 1 मिनट हम भूनेंगे। हमारी भाजने रेडी है, हमारी भाजने बनके रेडी है। सपोज आपके घर के पास कोई चक्की ना हो, कुछ ना हो, तो आप इसे घर में भी पीस सकते हैं। मिक्सर के पॉट में डाल के और छान के फिर से जो जाड़ा जरदरा रहता है उसे फिर से पीस के उसे कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर आ जाएगा। थैंक यू।